टेक वन मोर एग्जाम्पल. हियर एग्जाम्पल इज डेंसिटी. वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. इट्स मास अपॉन वॉल्यूम. क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम है. तो फिर मास आया यहाँ. मास कितना है? तो मास का स्क्वायर है क्या? नहीं है. उसका क्यूब है क्या? नहीं है. सो हमने एम के ऊपर क्या लिखा? वन लिखा. और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मतलब 3 एल का क्यूब. लेकिन वो जो है वो डिनोमिनेटर में है और हमें जो डायमेंशंस लिखने हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखने हैं, सब न्यूमरेटर में लिखने हैं. अब ये रूल तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर का कोई भी नंबर अगर हमें न्यूमरेटर में लेना हो तो उसका पावर जो है उसका अपोजिट नंबर लेना पड़ता. अगर नीचे 2 का स्क्वायर हो, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो, तो वो अगर ऊपर ले हम तो वो क्या होता? 2 का माइनस स्क्वायर होता है. वैसे ही हमने जो डिनोमिनेटर में अपना वॉल्यूम था उसका क्या था? एल क्यूब था. और अब हमें वो न्यूमरेटर में लेना है तो इसलिए हमने एल माइनस क्यूब लिखा. और इसमें टाइम का कुछ रोल है नहीं, इसलिए टी के ऊपर जो है हमने 0 लिखा. और मैंने जैसे पहले बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ये इसका एक तरीका होता है, तो इसलिए मैंने ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा. ओके, क्लियर?